Eternal Refuge सीरीज में आज का सर्मन डिजायर ऑफ इंपॉर्टेंट सफर, अहम इच्छा की आरजू। तीन हवाला जात मैं पढ़ना चाहूंगा, लूका इंजील 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे थे। उससे उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। और अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 42वीं आयत और उसके बाद 46वीं आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने में, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और 46वीं आयत, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। और मुकाशफा 19वां बाब और उसकी 9वीं आयत, और उसने मुझसे कहा, लेख मुबारक है वो जो बड़ा की शादी की जियाफत में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, पढ़िए आगे, ये खुदा की सच्ची बातें। आमीन। इब्रानियों 6 बाब में हमारी मरकजी आयत यही है कि दौड़े हुए हम पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। यहां तो पनाह के शहर पनाह दे सकते हैं तो कलीसिया क्यों ना देगी। आप सोचिए, अगर पनाह के शहर पनाह देते थे, ये तो यीशु के खून से खरीदी हुई कलीसिया जगह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, इसमें कैसे पनाह ना मिले। इसलिए रेवलेशन दाऊद के ऊपर बहुत आए और पालूस के ऊपर, खुदामंद मेरी पनाह, मेरा किला, मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरे छिपने की जगह। हामी, तो मेरी पनाह के ये गीत हम गा रहे हैं, साइमन का नया सॉन्ग नेक्स्ट वीक में मेरी पनाह आ रहा है। खुदामंद साइमन को बरकत दे और हम इंतजार में हैं ताकि खुदामंद इसी तरह अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और सीरीज में जो एटर्नल रिफ्यूज है, यकीनन आप को इसकी अहमियत का अंदाजा हो गया है कि वहां जाने के लिए यहां साबित करना, फिर ही वो दौड़ा हुआ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर एक गलती, हर एक गुनाह जो आसानी से भी उलझा ले, उसको करीब नहीं आने देना। अपने घरानों के अंदर अपनी गवाही को कायम रखें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने अपनी गवाही साबित करें, कलीसिया के अंदर खादम अपनी टीम के अंदर गवाही साबित करे, अपनी मिनिस्ट्री साबित करे, क्वायर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, मैनेजमेंट के लोग, घराने, अजीज रिश्तेदारियों के अंदर अपनी गवाही साबित करे कि आप इस दुनिया के लोग नहीं हैं, रह रहे हैं पर एटर्नल रिफ्यूज, अब दी पनाह के लिए दौड़े हुए जा रहे हैं। और जब इंपॉर्टेंट सफर के हवाला से मैंने ये हवाला जात पढ़े हैं, तो क्राइस्ट ने एक तो लास्ट सफर किया और फिर अपना सफर, लॉर्ड सफर स्टार्ट कर दिया, जो इसमें हम शरीक होते हैं। क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा मनाई, समझे, और साथ ही फिर अपना फसा शुरू कर दिया। तो ये जो सफर, इंपॉर्टेंट सफर के हवाला से जो बात मैं आज करने जा रहा हूं, जो पढ़ी गई, तो जब खाना पड़ा था, ईद फसा मनाने लगे, गौर से जुमला सुनिएगा और अपने जेन में बैठा लीजिए। शगिदों से कहा, मुझे बड़ी आरजू थी, समझे, ये है सारा इसके ऊपर सरना, मुझे बड़ी आरजू थी, काइश थी, मेरी डिजायर थी कि ये फसा मैं शागिर्दों के साथ खाऊं। आमीन। कितना अच्छा जुमला मसीह का लगा है कि मुझे, बोलिए, आरजू थी। ये दिली ख्वाहिश क्राइस्ट की कि ईद फसा अकेले नहीं, हालांकि उसका खानदान भी था, उनके साथ लोग अपने खानदानों में ही करते थे,
पर उसने कहा मैं शागिर्दों के साथ ये फसा खाऊं। और अगली बात जिसके ऊपर वाज की डिटेल होगी, लिखा के अब से ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ। तो ये आरज़ू क्राइस्ट की पहले मैं आपके सामने ये वर्सेस में रखी है और इसकी डिटेल मैं अभी आपके सामने लाऊंगा। जैसे मुझे आप को भी हमेशा आरज़ू होती है बड़े बड़े अच्छे खाना खाने की, बड़ी बड़ी अच्छी जगहों के ऊपर जाकर खाना खाने की, अपनी फैमिली के अहम या खास इंपॉर्टेंट रिलेटिव दो सहबाब जिनके साथ खाना खाना अच्छा लगता है, आपकी ख्वाहिश होती है। हर एक शख्स की ये डिजायर दुनिया के अंदर रखता है और फिर उम्दा से उम्दा खाना बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सफर जो है हर एक इंसान की लाइफ के अंदर आते, आपने भी इंजॉय किया होगा अपनी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट सफर किन अहम मौकों के ऊपर, पर सबसे ज्यादा मौका मेल फीमेल अपनी वेडिंग के ऊपर वो इसको ले पाता है कि वो शादी अपनी शादी का खाना जब वो कपल स्टार्ट करता है तो वो सबसे अहम सफर एक कपल का वो वेडिंग डिनर वेडिंग लंच जो भी वो एक घराना शुरू करता है या केक कटिंग करके वो एक दूसरे को खिलाकर यूं आगाज करते हैं ये इंपॉर्टेंट सफर। तो मैं ये समझता हूं कि इंसानों की जिंदगी में ये जो वेडिंग सफर होता है ये सबसे अहम होता है अगर कोई इसके ऊपर गौर करता हो, नहीं तो कहीं कोई इनकी पहचान नहीं होती। पर बारात में तो लोग खाना खाते हैं दूल्हा दुल्हन से भी पहले, हालांकि उनको साथ मिलाकर, बल्कि वो पहले स्टार्ट करें, उनको तालियों से उस वक्त वेलकम करना चाहिए फिर चुनना चाहिए खाना खाना चाहिए। पर यहां तो उल्टा है जरा, जैसे बाइबल में लिखा है जब तक दूल्हा साथ है बराती रोजा कैसे रख सकते हैं, बराती नहीं रोजा रख सकते। बराती कहते हैं अगर बरात अपने घर में ही है तो खाना खोल दो, समझे। कई लोग ये भी कहते हैं कि चलो पहले पहले जरा फारिग हो जाए, खाना जरा दे दो ताकि, ओ भाई एक ही फंक्शन जिंदगी में आता है, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है। हर काम असूल से तरीके से जिनकी जिंदगी होती है उनके साथ खुशियां मनाई जाती है, तो वो तो बेचारे एंड में जब सारी बरात चली जाती है बत्तियां हॉल की बंद हो जाती है फिर खाना शुरू वो करते हैं ऐसे। काश कोई बाइबल के अंदर इन चीजों को सीख ले, लर्न कर ले कि ये इंपॉर्टेंट सफर है जो शादी के मौका पर दूल्हा दुल्हन ने लेना है, उसके साथ ही दूसरों को ये ऑनर मिलेगी कि उस अहम जोड़े के साथ ये करें, तो ये लाइफ में मिलता है। इसके अलावा और भी आप जिंदगी में सारा साल ही एंजॉय करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई रेस्टोरेंट ना छूट जाए जहां का खाना टेस्ट ना किया जाए, आप अपनी लाइफ में अच्छा यादगार जिंदगी बनाना चाहते हैं कि ये डिनर ये लंच ये इंपॉर्टेंट खाने जो हैं इशा जो है आप खाएं। तो क्राइस्ट की आरज़ू भी थी कि वो भी खाए। क्राइस्ट आम लाइफ में प्रीचिंग करते हुए भी जब फैमिलीज मदो करती थी तो जाता था और उनके साथ खाना खाता था, इनकार नहीं करता था, इसलिए उसे खाऊ कहते थे, क्राइस्ट को कहते खाऊ। फिर अब यो का यार ये उनके साथ बैठ के पर ये सुनती तो खाऊ नहीं था, वो उनके साथ बैठकर खाता था ताकि उनको पता चले कि ये खुदा का बेटा उसके साथ खाना खा रहा, ये नबी के साथ खाना खा, वरना वो भूखा नहीं है खानों का। यहोवा भूखा नहीं था, अब्राहम ने कहा मैं खाना लाता हूं, उसने कहा बना, वो तो कायनात का बादशाह, कोई वो बैलों का गोश्त खाएगा या उनका खून पिएगा, हरगिज। ये हमारी खुशी के लिए वो हमारे साथ शरीक हो जाता। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो खाता ही नहीं था, वो टिड्डियां खाता जंगल में रहता था, उसे कहते थे इसमें बदरू ये खाना ही नहीं खाता, इसको कोई अच्छा ही नहीं लगता खाना, ये टिड्डियां खाता रहता।
तो फिर काइस ने कहा उसको तुम कहते हो कि वो खाता नहीं, मुझे कहते हो खाता, हिकमत अपने कामों से, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते। तो क्राइस्ट अपनी लाइफ के अंदर जरूर उसने इसराइल के खाने खाए, इसके ऊपर डिटेल मैं जितनी भी दूं वो कम होगी, मगर आप सबको पता है आप सभी ने हर तरह का खाना टेस्ट किया हुआ। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर लाहौर का कोई खाना नहीं हमने स्टूडेंट लाइफ में छोड़ा जो हमने टेस्ट ना किया। आजू होती है हर शख्स, तो इसके ऊपर आपका ध्यान आज लगाना चाहता हूं कि हम क्या अपनी लाइफ के अंदर आरजू खानों की रखते हैं। यकीनन हम खाएं, पर बाइबल लिखा आसमान की बात से खाने पीने पर नहीं, बल्कि उस खुशी पर जो रूल कुदस की तरफ से और पाकीज़गी और मेल मलाप के ऊपर है। आमीन। ये खाने तो जिस्म के लिए होते हैं, तो भी कोई आरजू करता है, पर जिन खानों में रूहानी मानी निकले काश उनकी भी पहचान हमें होनी चाहिए। और फिर जब मैंने बताया कि वेडिंग आम कपल्स के जो इंपॉर्टेंट खाने, जहां आप रिलेटिव को मदद करते हैं, यहां खुद आपको कहीं इनवाइट किया जाता है, ये खास वक्त होते हैं जिन पर ऑनर इज्जत किसी को दी जाती है और उस वो यादगार लम्हात बन जाते हैं। और अब दुनिया के अंदर जो हाकिम होते हैं, बादशाह होते हैं, वो भी एक दूसरे कंट्रीज के जब ममालिक के विजिट करते हैं तो उनको इसी तरह उनको रिसेप्शन दी जाती है। दुनिया में एक मशहूर सफर है वो ब्रेकफास्ट अमेरिका का सालाना नाश्ता, वो दुनिया के लोगों को अहम बुलाता है और लोग जाते हैं उस। फिर दुनिया के अंदर एक और फंड रेजिंग का भी एक मेथड है, उसमें दुनिया के बड़े बड़े अजीम लोगों को मदद करते हैं और लोग खुश होते हैं कि हम फ्लां गेस्ट के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत मेथड है। तो ये इंपॉर्टेंट सफर दुनिया के मैंने अभी बताया है, मगर बाइबल के अंदर एक सफर सुलेमान के हां हमें मिलता है, उसके दस्तरखान के ऊपर उसके उमरा बैठते थे, बाहर के बादशाह आते थे, मलका सबा ने उसकी टेबल पे खाना खाया और चारों जो उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पे जितने सिटी थे 12 उस शहर को उसने डिवाइड कर दिया, हर माह एक जगह से रसद आती थी और वो खाना बनता था सुलेमान के दस्तरखान के ऊपर। हर तरह का बटेर, मुर्ग, हर्न, बैल, हर चीज वहां पर जिबा होती थी, वो खाने बनते थे। ये बफे आज जो रेस्टोरेंट या बड़े बड़े पल या मैरियट होटल के अंदर होते हैं, इससे भी बढ़कर सैकड़ों बफे वहां होते थे जो सुलेमान सलातीन में आप पढ़े, उस जैसा किसी का दस्तरखान नहीं हुआ जो सुलेमान का। और उसके खानों की तरतीब मैंने जब डिटेल पढ़ता हूं और उसका इंतजाम, वो कमी नहीं वहां आने देता था, मंथली रसद पहुंचती थी, हर माह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी के साथ उसके मैनेजमेंट थी, जैसे जो समझदार है घराने उनके जो डिसिप्लिन है ग्रोसरी का वो बड़ा मैनेज करके अपने घरानों को चलते हैं। मगर आजकल तो हर बंदा अवेयर हो गया है, मगर सुलेमान से आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह वो मैनेज करता था अपने इस बड़ी ममलकत को। तो उसका जो सफर था मलका सबा का साथ वो बढ़िया में कामिल है और निजात पाकर चली गई। वहां पर सिर्फ खाने नहीं होते थे, वाज होते थे, इंसाल की बातें होती, सरमन होते थे, फिर वो खाना खाते थे। तो फिर जब हम आज के सरमन की तरफ आए तो क्राइस्ट कि भी आरजू थी कि वो सफर खाए, मगर आम तो खाने वो इसराइल के घरानों में खाता ही था, मगर उसे कहा मुझे जो आरजू थी वो ईद फसा का खाना मैं अपने शागिर्दों के साथ खाऊं, अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ नहीं। समझे जी? किसके साथ बोलिए?
शागिर्दों के साथ। आज दुनिया में बहुत कम खुदा के लोगों के साथ खाना खाना, बिलीवर तो खाएंगे, दुनिया के लोग नहीं, ना ही दुनिया के लोग वैसी प्रोटोकॉल दे सकते, ना उनको तमीज है, ना उनको पता है, क्योंकि खादम हर दो चंद इज्जत के लाइक है। अगर आप किसी के 100% कर रहे हैं रिसेप्शन, खादम उनसे बढ़कर, मगर होता नहीं है। ये बहुत, ये जिनको विस्डम है, समझ है, मगर खादम बोलते नहीं, ना ही खादम इन चीजों की आस उम्मीद रखते हैं। पालूस रसूल की तरह वो हर दौर में से गुजरते हैं, भूख में, प्यास में, नंग में, ये उनकी जिंदगी के हिस्से हैं। पर बाइबल कहती है वो हर दो चंद इज्जत के लायक, वो कलाम सुनाने, दूसरे ऐप जो ही करने के लिए खाने आते, पर वो कलाम सुनाने, खिदमत करने आते। काश किसी का जेन खुल जाए, उस जगह पे पहुंच जाए, पर नहीं पहुंचते। मुकद्दस को भी आहिस्ता आहिस्ता ही इस जगह पे पहुंचते हैं, क्योंकि उनके घराने भी मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, जो एक तो पॉजिटिव माइंड रखता है, एक नेगेटिव रखता है, एक उलझन होती है, एक खुशी होती है, मुख्तलिफ चीजें होती। सब शनिवी औरत की तरह नहीं जो अलीशा के वेलकम करे हर एक ने। या मरियम मार्था लाजर का घराना, जहां क्राइस्ट जाए बहुत बहुत कम। मिशनरी घराने बहुत कम बनते, हमने होम सेल्स में देखा है कि मिशनरी घराने बहुत कम बनते, बस उकता जाते हैं, चंद साल चलते, बस चलते रहते। तो ये हल्की हल्की बात मैं बता रहा हूं ताकि हमारे माइंड के अंदर पड़े कि किन के साथ हम उठना बैठना, किन के साथ खाना खाना चाहते, कहां इंपॉर्टेंट सफर होते हैं। आमीन। तो क्राइस्ट की निगाह में ईद फसा का खाना अपने घराने के साथ नहीं, किन के साथ बोलिए, शागिर्दों के साथ। एक ही शादी अटेंड की थी मसीह ने अपने सारे शागिर्दों के साथ, समझे, ये होता है इनविटेशन। और वो चीफ गेस्ट होते हैं, वो कमियों को पूरा करने के लिए वह खड़े होते हैं। अभी हमारे घरानों में वो अवेयरनेस नहीं है कि इनविटेशन क्या होती है, किस तरह मदद किया जाता है। यहां तो जिस मर्जी को कोई ये नहीं कि कोई अपने सीनियर पास्टर से पूछ ले कि किसको भाई बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, बुला ले ना बुलाए, ये नहीं। हमारी खुशियां मसीह के साथ, आमीन बोलिए, हमारी खुशियां मसीह के साथ, और मसीह की खुशियां अपने शागिर्दों के साथ, आमीन। मसीह की खुशियां बोलिए आपने, या शागिर्द पहले हो और मसीह बाद में, मसीह को बाद में पता चले अच्छा किधर गए थे, फलां शादी पे गए थे, तो मसीह को पता ना हो और शागिर्द वहां पतरस साहब पहुंचे हो। इंपॉर्टेंट सफर प्यारों के साथ किए जाते, मकसों के साथ किए जाते हैं। प्रेज़ अल्लाह। मेरा दिल शादमान होता है जब मैं किसी को कलाम के मुताबिक चलता देखता, वरना बर्दाश्त करते, यही असूल है, और क्या कर सकते। और फिर वक्तन फक्तन तालीम देते हैं, सिखाते हैं कि उस जगह पे पहुंच जाए। क्राइस्ट ने कहा कि मेरी बड़ी आरजू थी कि ईद फसा का खाना, बोलिए बोलिए, तुम्हारे साथ खुश है, इतना खुश है कि उनके पांव धो रहा, इतना शादमान। आप देखिए सारों ने मिलकर वो खाना वहां तरतीब दिया, शागिर्दों ही ने दिया, पर क्राइस्ट मेजबान बन गया, हालांकि चीफ गेस्ट है तो भी मेजबान बन गया, और उनके पांव धोए। ये यगानगत के मेथड,
शास्त्रिक उनको मालूम हो कि युगानगत क्या चीज, क्राइस्ट के बगैर हम नहीं चल सकते ना, चलना चाहिए। और ईद फसा कि खाने की आरजू, उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि नए दौर का जो फसा शुरू होने है वो टीम मेरे साथ बैठे, पुराना फसा हम क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, दोनों मिलकर खाएंगे और उसको क्लोज करेंगे और नया स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा समझे बात को जी? शरीयत के अंदर बादशाहों की आरजू नहीं थी कि फसा के खाने की तरफ आए। मैंने बताया सुलेमान के दस्तरखान का, मगर उसका ध्यान ईद फसा के खाने के ऊपर इतना आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। ये नहीं कि नहीं मनाई होगी, मनाई होगी, पर हिस्किया बादशाह ने बहुत फसा को मनाया, 7 दिन, फिर और एक वीक ले गया यूसिया बादशाह ने, मूसा ने फसा को मनाया, जो फसा था बड़े हुक्म मान का, बड़ी तरतीब डिसिप्लिन के साथ, लाठियां हाथ में ली हुए, पांव में जूतियां, चलते चलते फसा ऐसे ही खाया जाता। आजू थी क्राइस्ट को, तो क्राइस्ट यहूदा का बादशाह है, खुदा का बेटा है, उसने साबित किया कि अगर बादशाहों ने वो फसा इस तरह नहीं मनाया तो मैं मनाऊंगा अपने शागिर्दों के साथ। आमीन। तो लास्ट सप्पर उसने मनाया, ये आजू थी, ये उसकी खुशी थी, और फिर स्टार्ट उसने अपना फसा जो है वो दे दिया और खाना खाने के बाद, सुने फसा खाने के बाद उसने एक बात कही कि अब से ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा। आगे लिखा है जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले, उस दिन से लेकर आज तक और जब तक बादशाही आ ना जाए क्राइस्ट ने ये शीरा नहीं पिया ना कुछ खाया। मगर आप कहेंगे उसने खाया कहां? जी उठने के बाद तिबरियास की झील के ऊपर शागिर्दों के साथ, फिर जब उनको जी उठने के बाद मिला तो उसने मछली का कतला खाया, उसने तो खाया, पर वहां लिखा है कि फिर कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं ये शीरा पीऊंगा। कब तक? जब तक आसमान की बादशाही में नया न्यू वाइन, शराब नहीं मशरूब, जैसे काना ये गलील के अंदर बाइबल में शराब बिना मना है, मशरूब जूस होता है अंगूरों का, ग्रेप्स, और यशाया किताब में इसकी डेफिनेशन है शीरा जो खुश है अंगूर में, ये शीरा होता है जैसे ये शीरा है। तो ये देखा मैं नहीं पीऊंगा, आप देखें इतना रोका है अपने आप को, मगर वो जो पिया, वो जो खाना खाया जी उठने के बाद, वो तो सिर्फ इसलिए खाया, सुनिए, ताकि इनको पता हो कि मैं वही यीशु हूं जो जी उठा। खाना खाकर ये साबित किया सिर्फ उनको, यीशु मसीह खुदा का बेटा रेजरेक्टेड बॉडी के अंदर, खुदा को खानों की जरूरत नहीं कि वो खानों से जिंदा रहते हैं, हमारी खातर उसने खाया ताकि इनको पता चले कि ये रेजोरेक्टेड बॉडी है, इसकी तालीम का पता चल जाए कि खाए या ना खाए, ये रेजोरेक्टेड बॉडी, ये खुदा का वो बदन है जो मुर्दों में से जी उठा, ये यकीन कर ले। और उन्होंने यकीन किया, ये हवा ने भी अब्राहम के साथ खाना खाया, ये नहीं कि वो खाना खाकर जिंदा रहते हैं, नहीं, उनको खानों की जरूरत नहीं, हमारे लिए शागिर्दों के साथ खा लदूकिया कि किसे मैं आऊंगा, मैं मेरा बाप तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, फेलोशिप, वहां फेलोशिप का मानी है, मगर तो भी शागिर्दों के साथ ये खाना खाया गया। तो आरजू किस खाने की थी? फसा की। और आगे होली कम्युनियन दे दी और साथ कह दिया कि अब मैं शीरा फसा ये नहीं खाऊंगा, यानी वो
फसा भी क्लोज हो गया तो भी आगे नहीं, इसका मतलब है खाऊंगा तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। आमीन। इसलिए मैंने शुरू में कहा शागिर्दों की बड़ी मत कसों की बड़ी अहमियत, ये आरजू होनी चाहिए, जैसे हर घर को आरजू होती है ना, हस्बैंड वाइफ हर रोज अपने घरों में खाना खाते हैं बच्चों के साथ, फैमिली खाती, तो कई घराने कहते तो खा ले मैं आके खा ला, कई हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठ खाना खा, ये लव है अपने बच्चों के साथ खाना खा। मगर चलें कईयों के मैनेजमेंट इस तरह की मसरूफियात होती है, आगे पीछे भी हो सकता है, पर लव जरूर वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो लिखा उनके साथ तो वो खाना जो जी उठने के बाद खाया तब, मगर कहा क्या कि फिर कभी ना खाऊंगा। मिनिस्ट्री में खूब खाया, मगर अब भी खाना खाता है जब उसके शागिर्द उसके खादिम किसी घर में पहुंचते हैं, तो डे ऑफ जजमेंट ये क्वेश्चन होगा, एक ही सवाल होगा अदालत में और कोई नहीं, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। वो कहेंगे कब कब, मैंने कहा तब पादी कामरान आया था तब, समझे। खुदा का शुक्र है हमारी फैमिलीज इन चीजों को समझती, तो भी याद रखिए हम इन चीजों की आरजू में नहीं होते कि हमारा होता है काम कलाम सुनाना। मेरी गाड़ी में मेरे ये थर्मस पड़े होते हैं हर वक्त, जब मैं जो कहीं ट्रैवल करना होता है, जब मैं कहीं उतरूंगा वो जरूर अपना पानी जो भी मुझे यूज करना है लेकर फिर आगे मूव करता हूं मिनिस्ट्री। कभी मैं इस तरह नहीं करता कि मुझे आगे जो है ये कहना पड़े मुझे मैं प्यासा, या मुझे कहना पड़े मुझे भूख। मैं हर फ्रूट भी मेरी गाड़ी में पड़े होते हैं, जहां अगर मुझे नीड होती उसी तरह मैं मूव करता। तो इस तरह खादमों को इसी तरह चलना चाहिए, मगर दूसरे एंड के ऊपर फैमिलीज अपनी जगह जो उनको खुदा ने सिखाया। और मैंने बताया हमारी फैमिलीज सब एक से एक बढ़कर हॉस्पिटैलिटी में, सबको बरकत दे। तो लिखा कि जब मैं प्यासा था पानी पिलाया, इसका मतलब है वो खाना खाता है। यकूब के खत में लिखा है बाजों ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की, यानी फरिश्ते आए, अब्राहम तो इनवाइट नहीं किया हुआ था, बेखबर था, वो आ गए मगर वो तैयार था हॉस्पिटल में, देखा रुको हम खाना बनाएंगे। आमीन। इतना बिलीवर ये है खानदान आसमानी, ये नहीं है पर ये आई गए करी हा? अच्छा चाय नहीं पीना पिलानी तो पियोगे चाय, वो कहते नहीं ये नहीं कर रखो, वो कहेगा पिएंगे, उसने तो आगे ये नहीं कहला पीऊंगा, पीऊंगा तो कहेंगे देखो कितना आपने मुंह से कह रहा, और अगर वो कहता है नहीं तो कहेंगे अच्छा हम भी यही चाह रहे हैं। किनको किनको किनकी मेहमानदारी करें, अपने आपको खाना रोज खिलाना है खुश होना भाई यही करना। काश बाइबल का दस्तरखान किसी को समझ आ जाए। फिर खानदानों की युगान के देखिए कहां होते, मगर खादम खाने के लिए मत जाए, गप्पे मारने के लिए मत जाए, कलाम सुनाने के लिए वहां हो। कलाम सुनाए और शोनेमी औरत का बच्चा जिंदा ना हो, यहां जिंदा ही मार के आ जाते हैं, इसलिए कि गप्पे मारते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं उनके, उनके फंक्शन अटेंड करते हैं, वो आए या ना आए गिर उनकी नहीं देखा, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। ये दुनिया भर के अंदर कलीसियाओं को मैंने जो स्टडी किया है, खादम पटरियों से उतरते देखे, हमने अपनी लाइफ में साबित किया है, छोड़ देते हैं जगह जो खुदा मन में नहीं चलते, समझे।
वो रिश्तेदार है, मेरी आरजू है कि अपने शागिर्दों बोलिए के साथ खाना खाऊं। और ये इंपॉर्टेंट सप्पर में आप एक खानदान है आए हैं ना खाने के लिए, बोलिए। तो जो नहीं है उसको नहीं पता कि ये सफर आज होना है, उसको मैं टेलीफोन करके बताऊं कि भी आज होना है, उसको नहीं पता, उसकी आरजू नहीं है। क्राइस्ट की आरजू थी, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए, कि मैं खाना अपने बोलिए शागिर्दों के साथ खाऊं। और कब तक नहीं खाऊंगा, अब खाने के बाद का, अब नहीं मैं पीऊंगा, जब तक बोलिए बोलिए जब तक बाप की बादशाही ना आले, आसमान की बादशाही ना आले। जिंदा हो गया है, आसमान पर जो मर्जी खाना खा सकता है, भी यहां खाना गलील के पानी को मैं बना सकता तो वहां नहीं, सब कुछ कर सकता है। क्या कुछ नहीं वो खा सकता, शफायत कर रहा है खुदा के दाहिने हाथ। कहीं आप बाइबल में नहीं पढ़ेंगे कि उसने कुछ फरिश्तों से मंगाया लेके आओ, भाई कुछ है, उसे तो बता दिया जमीन पे खा सकता है, पर नहीं खाता। हजारों साल हो गए हैं, जो उसकी आरजू का खाना है वो अभी तक नहीं खाए। एक ही इतने फसा पे खाया, ये आरजू थी, एक और आरजू उसके खाने की है, बस दो आरजू, इंपॉर्टेंट सफर की, क्राइस्ट की डिजायर दो, एक हो गई, वो कौन सी, इधर फसा का खाना, और शागिर्दों को फिर अपना फसा दे दिया। दूसरा सफर जिसकी आरजू उसके अंदर है, ख्वाहिश है बाप की बादशाही, यानी उसका वेडिंग डे है। 1900 बाद मुकाशवा बरा की शादी आ पहुंची, वो खाना कलीसिया के साथ खाना चाहता है, ये आरजू। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि वेडिंग डिनर क्या होता है, कोई क्राइस्ट से पूछे इतना इंतजार, यहां कौन इंतजार करता है, नहीं पीऊंगा नहीं खाना खाऊंगा जब तक बोलिए आसमान की बादशाही ना आले। और ये वेडिंग सब पर है, बड़ा लैम की शादी का ये खाना है, ये इंपॉर्टेंट सब पर है। एक फसा का खाना और आप क्या बोलिए, बड़ा की शादी, लैम की शादी, क्राइस्ट खुदा के बेटे की शादी, कलीसिया आओ हम खुशी करें, शादवान हो के बरा की शादी का वक्त आ गया, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए, उसको आरजू है, पर जिनको बुलाया है उनको भी आरजू है तो बुलाया है। आमीन। अगर आरजू नहीं है तो वो बुलाए हुए नहीं है, बुलाए हुए। मुबारक है वो जो बुलाए गए, उनको भी आरजू है कि उस सब पर में, इंपॉर्टेंट सब पर में जाए। आमीन। तो ये दो आरजू इंपॉर्टेंट सफर की क्राइस्ट में लिखा है, फिर ये शीरा कभी नहीं पी, इतना प्यार अपनी बीवी के साथ खाना खा, अपनी फैमिली के साथ, कलीसिया के साथ आले बादशाही में। फिर यहां पर बाकी मैंने बता दिया कि खादम जाते हैं तो वो कहते मैं खाता हूं, ये वो चल रहा है सिस्टम, पर अपनी जलाली बदल में कलीसिया के साथ। अब आप बताएं, इतनी बड़ी कलीसिया हमारी है, दुनिया की कलीसियां, बारटूनी की कलीसियां, लाहौर की, पाकिस्तान की, दुनिया की कलीसियां, कितना बड़ा कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कितने लोग होंगे, खुश होगा कि मैंने इनके लिए जान कुर्बान की, आ गए हैं मेरे पास। हाँ, वहां पर वहां शागिर्दों के साथ फसा खाया, अब शागिर्दों और मसीह की खिदमत से, मसीह के खून से जो कलीसिया बकू में आई, हम वहां पहुंचेंगे,
वह सफर शुरू होगा। और कब होगा? जब यीशु आएगा, सेकंड कमिंग, और कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह का इस्तकबाल करेगी, और फिर कलीसिया में नीचे जमीन पर 1000 साल तक बादशाही करेगी। आमीन। कितना? मिलेनियम किंगडम, 1000 ईयर। ये जी 1000 ईयर की ज़ियाफ़त है। आमीन। लोग कहते हैं, बाज़ दफा यहूदी ट्रेडिशंस को लोग ज्यादा मैच कर जाते हैं, कलाम में होता है, मगर क्राइस्ट की एजुकेशन को सामने रखना चाहिए। बेशक उसमें कई कल्चर की चीजें भी आती। यहूदी शादी 7 दिन तक चलती थी, ज़ियाफ़त होती थी 1 हफ्ता। तो लोगों ने यहां से ले लिया कि 7 साल जो एंटीक्राइस्ट के होंगे, उनके शुरू होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर वो उठा ली जाएगी, तो 7 साल वहां जश्न मनाएगी, ज़ियाफ़त करेगी। ये नहीं है। 7 साल के बाद पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के ऊपर हमारा बिलीव है। कलीसिया ऊपर हो, इसराइल अभी बचा नहीं है, वो नीचे मार खा रहा हो, ऊपर हम ज़ियाफ़तें उड़ा रहे हो, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। कलीसिया के दोनों पार ज़ियाफ़त करेंगे। आमीन। तो ये 1000 साल बादशाही की, इसलिए वो 7 साल से ज़ियाफ़त को ले जाते हैं उस तरफ मोड़ के, 7 साल। 1000 साल तक ये बादशाही क्राइस्ट की जो होगी, इसमें कलीसिया जो है ये उस दस्तरखान के ऊपर क्राइस्ट के साथ खाना खाए, समझे? तो क्राइस्ट को तो आरज़ू वहां पर कि मैं अपनी कलीसिया के साथ, दुल्हन के साथ, बरा की बीवी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ तब जाकर खाना खाऊंगा, इकट्ठे मिलकर। साफ कह दिया, अब फिर नहीं ये खाना खाऊंगा, मैं पीऊंगा, जब तक, बोलिए, आसमान की बादशाही में, यानी बरा की शादी, वेडिंग सपर, ये इंपॉर्टेंट सपर, तब मैं ये आरज़ू ऑफ क्राइस्ट की, समझे? तो फिर हमारी कितनी इंपॉर्टेंट सफर की आरज़ू होनी चाहिए, कितने खानों की? हमारी भी 2, क्राइस्ट की 2 है तो हमारी भी 2। क्राइस्ट ने फसा खाने के बाद अपना बदन और खून दिया, लो खाओ मेरा बदन, होली कम्युनियन। ये आज जो हम यहां होली कम्युनियन लेंगे, ये हमारी आरज़ू है, क्योंकि यहां पनाह लिए हुए हैं, इस सफर में शरीक होंगे तो अगले इंपॉर्टेंट सफर में शरीक होंगे, समझे जी? अगर ये पनाह के शहरों के लिए, यहां ये हमें लेके चलेगा आगे, क्योंकि जिस तरह ईद फसा मनाई जाती, मिस्र से निकले लाठी हाथ में, जूतियां पांव में, चलते चलते खा रहे, ये दौड़ना पर खा रहे हैं, फिर सफर आगे मुल्क के कनान का होगा। इसी तरह यहां खाएंगे, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, यहां पर से ये शीरा, ये जो रोटी है, मसीह का बदल खून, मेरी यादगारी के लिए ये करते रहना, जैसा मैंने मिस्र वाला किया, तुम इसे करते रहना, ये आरज़ू हमारी हो, क्योंकि इसी की कुवत से, क्योंकि जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, बोलिए, उसमें हमेशा की जिंदगी, ये आरज़ू तो मुझे इसमें शरीक है। तो शरीक तो तभी होंगे ना, कलीसिया में होंगे, पाक होंगे, रासबाज होंगे, और आरज़ू रखें। बास कलीसिया में भी आ जाते हैं, आरज़ू नहीं होती, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं गलती की, तो माफी मांग भाई, तू नहीं मांगता, अभी मांग सकता है, मांग के इसमें शरीक हो जा। अगर वो नहीं शरीक होता, उसे आरज़ू नहीं, ये जिंदगी है, ये शीरा, ये जिंदगी है, ये सफर, इंपॉर्टेंट सफर। आप अपने घरानों में, या कल या आज,
या इस मंथ में कोई बड़ा खाना खाने की आज जो दिखाया जा खाएंगे उन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब पर आज का ये पाठशाह होली की मीनिंग हालेलुया। ये आजू समझे इस तरह आज आप अगर निकले हैं चले आइंदा जब आप सब पर मिश्री होंगे आज भी इसी तरह माइंड बनाएं। आपको पहले पता कि आज होली आज एक अहम सब पर है मसीह के खून गोश्त में शरीक होना है। ये सिर्फ शीरा नहीं है, आप घर में कई जूसेस रोज पीते होंगे, ये शीरा नहीं है। जब बरकत हो जाती है मसीह का खून रहता ये शीरा ही है, तशबीह के तौर पर हम पीते हैं जो मेरा गोश्त खाता, तो शीरा ही तो उसने दिया और यही कहा मैं अब ये शीरा ये मैं नहीं पीऊंगा जब तक आसमान की बादशाही में नया ना पियो। अब वहां पर इतनी बड़ी कलीसिया दस्तरखान कैसा होगा, कितने खाने होंगे बोलिए, सुलेमान से भी ज्यादा खाने। हर दुनिया का बंदा तो वहां होना है, अंग्रेज भी होने हैं, मिर्च वाले तो नहीं खाएंगे हा? तो कहेंगे जी देसी पाए खिलाओ इनको, समझे। हर मुल्क का खाना आमीन, हर टेस्ट का खाना वहां पर आपको मिलेगा और मशरूम का टेस्ट काला ग्रिल की तरह जो यीशु ने बनाया हालेलुया, वो वैसे टेस्ट वैसे खाने वैसी ज़ियारतें आपको यहां नहीं मिलेंगी, यहां मिलेगी जितना मर्जी कोशिश कर फिर भी कहेंगे नहीं कुछ ठीक ठाक पर ये नहीं ठीक था, वहां ये नहीं कहेंगे, वहां हर चीज उदाहरण बरकत वाली। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है खाने से, तुम्हारे साथ कलीसिया के साथ आमीन बोलिए, तुम्हारे साथ ये आरज़ू मसीह की है, अब नहीं पीऊंगा तुम्हारे साथ जब बादशाही आएगी तब तब तक। अगर उसने जीवटे के बाद खाने भी खाए पर सबसे आरज़ू जो उसकी है वो कलीसिया के साथ बर्रा अपनी बीवी के साथ दुल्हन के साथ, जो पाक लोग हैं जो इसमें शरीक होते रहे पनाह के शहरों में कलीसियाओं में इसमें शरीक होने वाले ही एटर्नल रिफ्यूज में उस नए शीरा को उस ज़ियाफ़त में शरीक हो सके आमीन बना रहे। तो आप अंदाजा लगा लें कि कलीसिया की कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी आरज़ू और उसकी आरज़ू। तो ये दो खानों की आरज़ू आपके अंदर 100 से भी ऊपर कि मुझे बादशाही में जाना है, तो फिर आप यहां पर शरीक हो जाए, क्योंकि दौड़ते हुए हमने खाते हुए चलना है, फसा के बगैर जा ही नहीं सकते, इसके बगैर जा ही नहीं सकते। यीशु मसीह ने फसा खाकर सलीबी मौत को जो है वो लिया, ये सफर दुनिया का इसके बगैर हो ही नहीं सकता, समझे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पनाह लिए हुए हैं, और खाना कौन सा, यीशु का खून और उसका बदन, इसमें शिरकत, ये हमारी आरज़ू रहे। और दूसरी आरज़ू बोलिए अपने दुल्हा के साथ यीशु के साथ खाना खाए एमन। चले बैठे हुए सोचे पहुंचना है दूल्हा के साथ खाना है, तो भाई थोड़ी दूल्हा के साथ नहीं या दुल्हन के साथ, यहां ही ख्वाहिश होती है कहीं, तो यहां भी नहीं। एक दुल्हन फेसबुक पे देखी वेडिंग केक काटा गया, दुल्हन ने भी केक खिलाना था दूल्हा को, दूल्हा ने पहले खिला दिया, दुल्हन ने खा लिया, उसके बाद दुल्हन अपने दूल्हा को बड़े प्यार से पर जरा उसको उसके साथ कभी चम्मच पीछे कर लेती थी कभी आगे, उसे थप्पड़ मार दिया खिलाती क्यों नहीं, वो बेचारी गिर गई रीत मिल के साथ। दूल्हा प्यार को नहीं समझ पाया कि ये मुझे प्यार कर रही है, बड़े लाजों से खिला रही है, समझे।
तो यहां दूल्हा दुल्हन का कोई पता नहीं, प्लेट ही बाहर। पर तो भी दूल्हा दुल्हन की आलसी होती कि इकट्ठे खाना खा, ये सिस्टम बना कर देखो, मजबूरी है वो कोई बात नहीं। कितनी जगान करते हो, कितनी खुशी हो फैमिली के साथ। हस्बैंड भी कहे आ पहले यहां बैठ, मुझे तो मर्जी कहे नहीं 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 ठंडा हो जाएगा, मैं गर्म कर रही हूं, साथ साथ खाएं गर्म रोटी खाएं साथ साथ। काश जब जाना जो वहां पर है, अभी ख्वाहिश है ना, हम वहां जाएं और दूल्हा पहले ही यीशु मसीह खा पी के फारग, हाँ, या कलीसिया को कहे तुम खा लो मैं तो अभी आता हूं, बाप से मेरी मीटिंग हो रही है, हाँ, ऐसे नहीं, सब बैठेंगे, तालियां बजेंगी, डिनर शुरू हो गया वहां पर, ज़ियाफ़त शुरू हो। चले सबसे पहले किसको बोलने वाला देगा या कब देगा, शायद पतरस समझे, क्या यूहन्ना को या अपनी मां मरियम को, किसको आप सोचिए किसको मिलना चाहिए, या मुझे मिलना चाहिए या आपको, क्यों शिकीला आपको, आपके यीशु मुझे ही पहले पकड़ा, या सारे कह दीजिए मुझे पहले हाँ यीशु के हाथ से। याद रखिए जहां जहां बैठे होंगे हर एक एक ही वक्त में यीशु के हाथ से खाएंगे, अगर एक को दे रहा हम सब उसमें शरीक, चाहे वो पतरस क्यों ना हो पहले। ये खुशी कलीसिया में होनी चाहिए, एक खिदमत कर रहा सब खुश हो, खादम नहीं कदूसा जेलस कर, यहां यही हो रहा, और खिदमत होती भी नहीं है तो भी जेलस कर रहे हो, होती भी नहीं है, एक तो हो ना, एक होती भी नहीं है। एक एक रुकन कलीसिया का मेंबर, फैमिली, क्वायर, गीत गाने वाले, आप सोचिए वहां पर क्वायर के अंदर वो खड़ा करे, तो यहां पर अगर होगा इस तमीज वाला, डिसिप्लिन वाला, वर्शिप करने वाला भाई बहन कलीसिया में या क्वायर में या बजाने वाला, फिर मौका वहां मिलेगा, ऐसे नहीं वो करे तो सही यार कुछ, यहां तो बस आउ चला चला रहा है, मेरी तरफ आज मेरे मेरे गिरजे आगे गीत गाया था, मेरे को कोई नहीं बजाने वाला, या तो ये ड्रामे चल रहे, मिनिस्ट्री को नहीं देखा जा, और हर एक सिंगल मिनिस्ट्री की तरफ दौड़ रहा है हर शख्स, जो अफसोस की बात, कलीसिया से करता चला जा रहा, दुनिया की कलीसिया हर शख्स, हर मेंबर, हर क्वाइट मेंबर, हर गाने वाला फेसबुक उठा ले, हर एक कट गया है, कोई कलीसियों में आपको नहीं मिलेगा, कटते जा रहे हैं अपनी ख्वाहिशों के ताबे, पर वहां तो कलीसिया के लिए वो बैठेगा आजू रख के कि मैंने कलीसिया के साथ वो खाना खाना है, और यहां कलीसिया हो ही ना कठी हफीज, यहां कलीसिया लगा हुआ ड्रामा दुनिया में, ये गल गलत है, जाओ इनवाइट करो लोगों को, आओ हमारे चर्च में कलाम सुनो, उनकी जिंदगी बचे, उनको कहो जाओ हमारे साथ शरीक होना है उस ज़ियाफ़त में, आओ हमारे साथ जीतो दुहे लेकर आओ, इतनी आजू उस सब्बर की इंपॉर्टेंट सब्बर, यहां आजू होगी तो उस आजू का भी हम यकीन कर जाएंगे कि आजू है हामी, वरना बात धोखा खाइए किसी से, चाहे वो पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, मेंबर हो, अगर वो इसमें शरीक होना नहीं चाहता तो आप उसके खानों में शरीक हो जाए। डेनियल लोगों ने जमीन के खानों में दिलचस्पी नहीं ली, समझे जी, ना पापों के साथ खाना खाना वो पसंद नहीं करते थे, उनके नवालों में से एक नवाला भी मुंह में जाने ना पाए, ये पाकिजगी होती है, ये अलग होना होता है, ये कलीसिया का अंग हिस्सा होना, या तो खिंद में काम चल रहा है, ड्रामाबाजी चली हुई, जो मर्जी करो बस, कलीसिया खुदा के लोग आज के सरमन से अंदाजा लगा ले,
कि क्राइस्ट के हाथ दो आरजू थी इंपॉर्टेंट सफर की, एक खा लिया शागिर्दों के साथ, अब एक खाएगा हम। और यही आरजू मुझे आपको होनी चाहिए कि यहां कलीसिया के साथ बना लिए हुए हैं तो उसका बोझ कौन खाएंगे, और आगे वो हमारे साथ और हम उसके साथ, वो शादी का खाना, बादशाही का इंपॉर्टेंट खाना सुलेमान से भी ज्यादा खाने होंगे, पर यज्ञ के अंदर होंगे, खुशी के अंदर होंगे, सलामती के अंदर होंगे, हमारी आंखों के सारे आंसू पहुंचेगा वो सब पर जो मसीह के साथ खाना होगा। उसकी आरजू रखने वाले एटर्नल रिफ्यूज की तरफ दौड़े हुए जा रहे। आइए खड़े हो जाए।